And welcome back to my channel. And if you are watching me for the very first time, hi, my name is Harshita, aka Hargeet. And आज मैं जो वीडियो करने वाली हूँ उसके लिए मैं बहुत 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 ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि आज हम ट्राई करने वाले हैं कुछ वायरल ब्यूटी हैक्स. तो ये हैक्स ना कभी आप लोगों ने भी देखे होंगे, क्योंकि शॉर्ट्स पे, रील्स पे बहुत वायरल हैं. तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ट्राई करूँ. विदाउट फर्दर एडू, लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज़ वीडियो. बट उससे पहले अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी जाके कर देना, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा. स्क्रीन रिकॉर्डिंग लेके यहाँ पे लगाती जाऊँगी, तो आप लोग देखते जाना, वो ज़्यादा इजी रहेगा. ऐसे करके दिखाने से अच्छा है कि मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग लगा दूँगी. तो सबसे पहला जो हैक है उस पेंसिल काजल है ये, या फिर पेंसिल लाइनर आते हैं पता नहीं, बट ये पेंसिल काजल है. तो इसमें ये हैक है इसलिए कि हम लिक्विड लाइनर्स, अगर विंग आईलाइनर नहीं ड्रॉ कर पाते हैं तो हम ये वाला हैक ट्राई कर सकते हैं. तो लेट्स ट्राई, काफ़ी अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा इजी है देखने में, बट करने में कैसा है वो अभी हम ट्राई करते हैं. मैं काजल लगाती नहीं हूँ, तो मेरे पास ब्लैक कलर का कोई भी पेंसिल नहीं है. तो अब मैं इसको कैसे करूँगी, तो हम किसी और चीज़ से ट्राई करते हैं, क्योंकि मेरे पास लिप लाइनर्स हैं काफ़ी कलर्स में, तो हम एक कलर का लिप लाइनर लगाते हैं. एंड सबसे पहले मैं वो लेके आती हूँ, क्योंकि मैं इतनी आलसी हूँ, मैं कुछ भी लेके नहीं आई हूँ, तो जाऊँगी लेके आऊँगी. मेरे पास वाइट काजल है, तो हम ब्लैक से ना ट्राई करके हम वाइट से ट्राई करें. थोड़ा सा पास आ जाती हूँ ताकि आप लोगों को दिखे कि मैं कर क्या रही हूँ. तो सबसे पहले हमें ऐसे करके यहाँ कुछ मैं गिराऊँगा, ऐसे हो सकता है. और मेरा काजल टूट गया यार, मैं कितनी भूल हूँ. उसके बाद हमें अपनी इंडेक्स फिंगर से इसको ऐसे करके साफ करना है, ताकि पतला सा विंग लाइनर बन जाए. ओह माय गॉड. तो वैसे तो मैंने पहले से ही काफ़ी अच्छा लगा दिया था, बट हाँ ये काम करता है. अगर मैं इसको थोड़ा घटिया तरीके से लगाऊं और फिर देखती हूँ कि ये कैसा लगता है. वैसे तो काफ़ी अच्छी तरीके से ऐसे पॉइंट आउट कर रहा है, काफ़ी इजी है. अगर पूरे में हमें आईलाइनर नहीं लगाना है, जेल आईलाइनर नहीं ड्रॉ करना आता है, तो ये पेंसिल लो एंड थोड़ा सा ऐसे अब घटिया तरीके से भी लगा लोगे ना, एंड फिर ऐसे कर दोगे, उसके बाद भी ये परफेक्ट लुक आएगा. तो यस, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है. तो ये वाला है पास है. नेक्स्ट है कि हमारे पास ये ब्लश वाला है कि आपको परफेक्टली ब्लश को कैसे प्लेस करना है. तो मुझे यहाँ से ही ब्लश स्टार्ट करना पसंद है, क्योंकि मेरा फेस ना काफ़ी छोटा है एंड मैं चबी भी नहीं हूँ ज़्यादा. अभी मैं कैमरे में लगती हूँ, बट रियल में मैं नहीं हूँ. और आई एम सो सॉरी फॉर जो ठक ठक हो रहा है, बट मेरे को बट क्योंकि हम मना नहीं कर सकते हैं, इसलिए सुन लो. अगर हम ब्लश यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो काफ़ी चबी सा लुक आता है, बट अगर हम ब्लश को यहाँ पे बोन्स से लगाएं तो काफ़ी ऐसा लिफ्टेड सा लुक आता है. एंड अभी मुझे काफ़ी इरीटेट हुआ है इसकी वजह से. इस हैक की वजह से ना हमें पता चल जाएगा कि अगर हमें यहाँ अपने बोन्स पे ब्लश लगाना है तो कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए. तो इनके अकॉर्डिंग हमें टू फिंगर्स लेनी है एंड यहाँ पे प्लेस करनी है, एंड उसके बाद हम अपना ब्लश लगा सकते हैं. तो सबसे पहले तो मैं ब्लश ले लेती हूँ अपने ब्रश पे एंड थोड़ा सा डस्ट ऑफ कर लेंगे. एंड अपनी मैं टू फिंगर्स यहाँ प्लेस करूँगी. वैसे तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा पास आ जाती हूँ. काफ़ी अच्छा लुक आया है इससे. वैसे तो मैं इसे नहीं लगाती हूँ, तो मुझे इतना ज़्यादा नहीं अच्छा लग रहा है, बट जो इस टाइप के ब्लश लगाना पसंद करते हैं एंड जिनको लिफ्टेड लुक चाहिए, उनके लिए परफेक्ट है ये. मैं 10 out of 10 दूंगी, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया. इसे उन्होंने दिखाया था कि हमें पूरी आई पे नहीं लगाना है, सिर्फ आउटर कॉर्नर में लगाना है. इसे भी बहुत ज़्यादा लिफ्टेड लग रहा है एंड पर्सनली मुझे ना इस टाइप के लुक नहीं पसंद है, बट ट्राई करने में क्या जाता है. इसके बाद यहाँ हमें इनर कॉर्नर पे भी लगाना है लाइनर, तो हम ट्राई करते हैं कि लग जाए हमसे.
वेरी ऑनेस्ट, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा लिफ्टेड सा लुक आ रहा है, आप देख सकते हो। एंड अगर मैं जैसे आई लाइनर यहाँ ड्रॉ करती हूँ वैसे भी करके दिखाती हूँ ताकि आपको डिफरेंस पता चले। एंड मैं लाइनर कर रही हूँ, हाँ मैं क्यूट लग रही हूँ, यहाँ मैं वैम्पायर वाला लुक दे रही हूँ। बट ये हैक भी हमारा पास है, इसको भी मैं 10 out of 10 दूँगी। तो नेक्स्ट ये हैक ना, ये हैक ना काफ़ी ज़्यादा फनी है कि अगर हमें एक विंग आईलाइनर ड्रॉ करना है तो हम लाइनर ना यूज़ करके टेप और आई शेडो यूज़ करें। तो लेट्स ट्राई कि ये कैसा होता है। वैसे हैक में उन्होंने नहीं बताया है, बट पहले मैं टेप को ना अपने हाथ पे लगा के ऐसे निकाल लूँगी ताकि ना इसका जो वो स्टिकी वाला पार्ट होता है वो कम हो जाए एंड हम फेस से उसको ईजिली निकाल लें। देख के ऐसे प्लेस करना है, अभी मेरी आंखें टेढ़ी हो गई हैं, नाक मेरी बंद हो गई है। तो हमें सिर्फ कुछ नहीं करना है, ऐसे फिंगर पे लेके यहाँ पे ऐसे 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 करना है, सेम हम लेंगे और इस साइड भी कर देंगे। ओ मैंने दोनों साइड लगा लिया है, अब हम जल्दी से इसको निकाल के देखते हैं कि कैसे हुआ। माय गुडनेस, ये ना 10 out of 10 है, इतना ज़्यादा परफेक्ट हुआ है, इतना ज़्यादा परफेक्ट विंग लाइनर आया है ना। बट ये हल्का सा मैंने इसको अच्छे से प्लेसिंग किया था आई थिंक, तो ये ज़्यादा अच्छा नहीं है। एंड मुझे जो विंग है ना ये कम करनी चाहिए थी, बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है मेरी, बट स्टिल बहुत 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 ज़्यादा अच्छा है। कि ये टेप वेप लगाने में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम है और नहीं आता है आपको ये विंग लाइनर करना तो आप डेफिनेटली इसको ट्राई कर सकते हैं, ये सच में बहुत ज़्यादा अच्छे से काम करेगा। एंड जैसे आप देख ही सकते हो ना इतना ज़्यादा अच्छे से ये लाइनर लगा है, कितना ज़्यादा अच्छे से ड्रॉ हुआ है। यस डेफिनेटली ये हैक भी पास। तो वैसे मुझे इस हैक से इतनी उम्मीद नहीं थी क्योंकि मुझे लगा था ना ये जो टेप वेप का लगाने का सिस्टम है ना इससे थोड़ा दिक्कत होगा, बट मज़ा आ गया इसको करके। नेक्स्ट हैक है आई शेडो के लिए, एंड ये आई शेडो हमें लगाना है इसको क्या बोलते हैं आई कर्लर से, जो हमारा कर्लर होता है ना उससे हमको लगाना है। तो ये ना मैंने पहले भी बहुत ज़्यादा देखे हुए हैं, मतलब 2020-2021 में एंड बहुत ज़्यादा फेमस था ये हैक। तो ये एक चीज़ हो गई है कि मेरा जो कर्लर है वो सेम उसके जैसा नहीं है, तो ये जो यहाँ वाला पार्ट था उसको करने में हमें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, बट हम फिर भी ट्राई करेंगे, कैसे भी करेंगे बट करेंगे। से कुछ अभी तक ऐसा लुक आया है। बाद ना हमें यहाँ पे उसको ऐसे प्लेस करना था तो वो यहाँ से प्लेस करा था, तो विंग वाला लुक देना है वो इस साइड से देना है, बट क्योंकि मेरा ये शेप सही नहीं है तो हम इस साइड से देते हैं। और इसको ऐसे प्लेस करके हमें और मैं इसको 5 out of 10 दूंगी क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा नहीं पसंद आया है। नेक्स्ट अगेन हमारे पास एक और आई लाइनर हैक है, एंड ये भी विंग लाइनर के लिए है, तो इसमें थोड़ा सा तामझाम है तो इतना तामझाम मैं नहीं कर सकती हूँ, बट हम ट्राई करेंगे, हम इतना तामझाम नहीं करेंगे बट हम इसको ट्राई ज़रूर करेंगे। तो सबसे पहले इसमें मैंने इस हैक को ट्राई करने के लिए ली है मेरी माइग्रेन की दवाइयाँ, मेरे सर दर्द के साथ साथ ही मेरा लाइनर भी सही कर देंगी। पहले तो ना इसको काटने में ही दिक्कत होगी क्योंकि मेरे को नहीं समझ आ रहा है कि मैं इसको कितना काटूँ, कैसे काटूँ, कहाँ से काटूँ। वो ऐसे पकड़ने के लिए भी लगाना था बट वो लगाओ, उसके ग्लू को सिखाओ, फेस पे चिपकाओ, तो इससे अच्छा है मैं इसको ऐसे ही कर लेती हूँ। मैं सोच रही हूँ उसको मैं अपने इस ब्रश पे ही स्टिक कर लेती हूँ, वो जो आईलैश ग्लू है ना उससे काफ़ी अच्छे से स्टिक हो जाएगा, बट रहने देते हैं यार इतना मैं नहीं कर सकती हूँ। ये पीस काटा है इस पे हम अपना लाइनर लगाएंगे। अगर मैं इसको उस पर स्टिक भी कर लेती ना तब भी ये हैक ना काम नहीं आता। हमने ये जो दवाई का ये जो पैकेट लिया है ना इस पे लाइनर स्टिक ही नहीं होगा, तो वो अच्छे से प्लेस नहीं हो रहा है। बट यस आपको एक फ्रेम मिल जाएगा आपको ड्रॉ करने के लिए, तो इस हैक को मैं इतना ज़्यादा नहीं पसंद करूँगी क्योंकि पहली बार इसको काटो फिर इसको इस पे चिपकाओ,
इससे अच्छा है हम ये टिश्यू जो टेप वाला हैक था ना वो ट्राई कर लें, वो ज़्यादा अच्छा है। इससे मैंने किया भी नहीं है अच्छे से, ये भी मैं मानती हूँ, बट फिर भी अगर मैं थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचूँ तो ये काम नहीं करेगा इतना। हमारे पास मस्कारा का है, यानी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, पर मेरे को समझ नहीं है कि ऐसे करने से डिफरेंस क्या आएगा। तो हम एक जैसे नॉर्मली हम मस्कारा लगाते हैं वैसे हम लगाएंगे इस साइड वाली आई पे, एंड जो हैक है वो हम करेंगे इस वाली आई पे। तो लेट्स ट्राई कि क्या डिफरेंस आता है दोनों में। हम इस पे लगाते हैं जैसे हम नॉर्मली लगाते हैं, तो नॉर्मली मैं ऐसे मस्कारा लगाती हूँ, सब ऐसे ही लगाते होंगे आई गेस। मेरा मस्कारा जो मैं नॉर्मली लगाती हूँ, अब हम ट्राई करते हैं हैक कि हमें कैसे लगाना है। तो हैक में पहले हमें आई को थोड़ा सा ऐसे करना है, इसके बाद इसको हमें ऐसे ऐसे लगाना है। वैसे तो मुझे नहीं लगता है कि कैमरे में आपको कोई डिफरेंस समझ आएगा, बट जितना डिफरेंस मुझे समझ आ रहा है वो ये है कि जब मैंने इसको ऐसे कर करके लगाया ना, तो ये काफ़ी दूर दूर हो गई हैं आई लैशेज, एंड काफ़ी ना फेक आई लैश वाला इफेक्ट आ रहा है। एंड सच में ऐसा लग रहा है जैसे मैंने इस साइड फेक आई लैशेज लगाई हैं एंड इस साइड मैंने मस्कारा लगाया है, और ये जो साइड है ना जिसपे मैं नॉर्मली मस्कारा लगाती हूँ ये ना काफ़ी ऐसी आई लैशेज ना बहुत ऐसी इसके जैसे वॉल्यूम नहीं लग रहा है इनमें, एंड इनमें काफ़ी एंड ये साइड वाले में काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम आ गया है। मुझे ये हैक वाली साइड बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, एंड सच में ऐसा लग रहा है कि मैंने फेक आई लैशेज लगा के रखी हैं, एंड वो जो क्लम्प हो जाती हैं आई लैशेज ना वैसा नहीं है। तो डेफिनेटली मैं अब हैक वाला ही ट्राई करूँगी, 10/10 है ये भी, मुझे बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये। बाद में बस लास्ट एक और हैक है, लास्ट हैक है हमारा ये लिपस्टिक वाला हैक। तो इस हैक से ना लिप्स अगर आपके थिक नहीं हैं तो काफ़ी अच्छे थिक हो जाएंगे लिप्स, एंड बहुत ज़्यादा अच्छा बोल्ड काइली वाला लुक आएगा। तो यस, इसको भी हम ट्राई करेंगे ना। मैंने पिंकिश टोन में लिपस्टिक लगाई हुई है, वैसे तो दोनों का कलर बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाएगा, ये लाइट पिंक है एंड ये ब्राउनिश टोन में है, बट हम फिर भी ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले हमें हमारे लिप्स ऐसे बंद करने हैं, देखो ये हैक नहीं पसंद आया क्योंकि मेरे ऊपर ये नहीं सूट कर रहा है, एंड इतना ज़्यादा ओवर लिप करके ना मैं कहीं पे भी नहीं जाऊँगी, इतना ज़्यादा बुरा लगेगा नहीं। बट हाँ, जिनके लिप्स छोटे हैं उनके लिए ये परफेक्ट है, हल्का सा ओवरलाइन करना, ज़्यादा मत करना क्योंकि ज़्यादा कर ले तो ना तो अलग ही दिखेगा, एंड जैसे अभी मुझे दिख रहा है कि मैंने बहुत ज़्यादा ओवरलाइन कर लिया है। नीचे वाला तो फिर भी ठीक है, बट ऊपर वाला नहीं अच्छा लग रहा है, एंड काम करेगा ये अगर आपके लिप्स छोटे हैं तो। बट क्योंकि मेरे लिप्स इतने भी ज़्यादा छोटे नहीं हैं, कैमरे में ही थोड़ा अपर लिप लगता है, बट स्टिल काफ़ी ज़्यादा सही है। ये सारे हैक्स थे आज के वीडियो के लिए, आई होप आप लोगों को पसंद आए हो, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे। सिर्फ एक या दो हैक थे जो नहीं पसंद आए हमें, बाकी सारे ही मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे। आउटरो देते हुए काफ़ी अजीब लग रही हुई लिप्स के साथ, बट हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय।